आज मैं शेयर करूंगी ककोड़े की बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट चटपटी घरेलू स्टाइल वाली सब्जी की रेसिपी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है और औषधिक गुणों से भरपूर होती है। ककोड़े की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम ककोड़े। सबसे पहले हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर में हल्के से ये कांटे जैसे जो होता है ना, इसमें काफ़ी सारी धूल मिट्टी वगैरह जमी होती है। इसलिए आप इसको आधा घंटा पानी में डुबो कर रख दें, उसके बाद अच्छी तरीके से इसको धो लें। मैं आपको काट के दिखाती हूँ अंदर से ये कैसे दिखता है। इस तरीके से ककोड़े हमें लाने हैं। अगर पीले पड़े हुए ककोड़े हैं तो आप उसको ना लें, क्योंकि वो अंदर से पके हुए होंगे और वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल हरे रंग वाले ककोड़े ही लेकर आएं। इसके बहुत सारे नाम हैं, खेक्सी, कंटोला, काकड़ोल, ककोड़ा, अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। करेले जैसा दिखता जरूर है, लेकिन ये सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सब्जी होती है। तो इसको मैं ऐसे गोल गोल आकार में काट रही हूँ, आप जैसा मन चाहे इसको काट सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम करेंगे और इसे हम बनाएंगे सरसों के तेल में। 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल मैंने गरम किया है, इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच सरसों। इसके बाद मैं यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज कट करके डाल रही हूँ। प्याज कैसे लंबे आकार में कट करना है, थोड़े मोटे मोटे प्याज काट के डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होती है। सिर्फ 2 मिनट हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बारीक कटा आधा छोटा चम्मच लहसुन ऐड करेंगे, साथ में 2 मैंने हरी मिर्च ऐड किया इसमें बारीक कट करके। तीखापन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा भुन जाने के बाद अब हम इसमें ककोड़े ऐड कर देंगे। तो पहले प्याज को 2 मिनट हल्का सा फ्राई कर ले, उसके बाद ही ककोड़े को डालें। ज़्यादा ओवर फ्राई कर देंगे प्याज को, तो जब तक हम ककोड़े को फ्राई करेंगे प्याज बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और वो कड़वेपन पे आ जाएगा। इसलिए बस 2 मिनट फ्राई करके हमें सब्जी को डाल देनी है। हल्का सा नमक ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा सा नमक डालकर अब हम ककोड़े को फ्राई करेंगे। ढक कर पकाएंगे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और बीच बीच में इसको चलाते भी ज़रूर जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज और ये ककोड़े जो है हल्के से सॉफ्ट हो गए, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले। बिल्कुल बेसिक सिंपल से मसाले हैं, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, बहुत ही बढ़िया सा कलर आता है लेकिन ज़्यादा तीखापन नहीं होता इसमें, 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। याद रहे नमक हमने ककोड़े को भूनते समय भी डाला था, इसलिए नमक ध्यान से डालें। सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम को इस समय थोड़ा सा धीमा कर दें ताकि मसाले जले नहीं। अच्छा, अब हम इस सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम आज की इस सब्ज़ी में टमाटर ऐड नहीं कर रहे हैं, तो मसाले जलने नहीं चाहिए और अच्छी तरीके से पकनी चाहिए सब्ज़ी। इसलिए थोड़ा सा पानी छिड़क कर 5-6 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, बीच बीच में चलाते हुए। 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ककोड़े बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी खटाई, आधा छोटा चम्मच अमचूर, बहुत ही बढ़िया खट्टी खट्टी सब्जी बनती है, टेस्टी लगती है, और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला देंगे। हल्के हाथों से इसको मिलाना है, थोड़ा सा 2 मिनट इसको हम पका लेंगे ताकि जो अमचूर है, गरम मसाला है, थोड़े अच्छे से भुन जाए और सब्जी में इसका स्वाद आ जाए। 10 से 15 मिनट के अंदर ही सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप इसको गर्मा गर्म परोसे दाल राइस के साथ, या फिर आप इसको रोटी पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और क्योंकि हमने सूखी सब्ज़ी बनाई है, इसमें टमाटर भी नहीं डाला है, तो आप इस रेसिपी को बनाकर टिफ़िन पर भी लेकर जा सकते हैं। सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत सारे गुणों से भरपूर होती है। डायबिटिक पेशेंट्स लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, स्किन के लिए, आँखों के लिए अच्छी होती है, और साथ ही बहुत ही लो कैलोरी सब्ज़ी है, तो ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।